वेलकम गाइस, स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग एक टीवीएस टॉक की जो एक्सपी एडिशन है उसका एक रिव्यू बताने वाला है हम लोग कि गाड़ी कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और हमारी वाली एंटॉक से कितनी अलग है। तो बिना देरी के चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम लोग ये एंटॉक की जो एक्सपी वाली एडिशन है उसका रिव्यू बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मोड्स है और हमारे वाली जो एक्सटी है इससे कितनी अलग है। वो ये है गाड़ी का फ्रंट लुक और मुझे ये टीवीएस का बहुत अच्छा लगता है कि ये हम लोग का इंडिया का जो फ्लैग है वो दिखाते हैं, क्योंकि टीवीएस हमारा इंडिया का ब्रांड है। तो और यह इसमें भी ब्लूटूथ का फीचर है क्योंकि इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना। इसके मीटर की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वही एंटॉक का जो नॉर्मल मीटर आता है उसी तरह का है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर नेविगेशन, यहाँ पे आपका अपर डिपर का स्विच और यहाँ पे आपका मीटर में कैसा कैसा है। ये गाड़ी 493 किलोमीटर चल चुकी है और ये फ्यूल इंडिकेटर ये जो गाड़ी का सेंस करता है और ये तो जो किलोमीटर पर आवर ये बताता है। और यहाँ पे इग्निशन का बटन, यहाँ पे ब्लिंकर का और ये हो गया सेल्फ। इसका हॉर्न का बेस सुन लेते हैं, लाउड है। और चलिए इसको एक बार थ्रोटल देख के देते हैं। ये भी मेरा गाड़ी का तरह है, ये अगर स्टैंड पे हुआ तो ये स्टार्ट नहीं लेगा, तो हम लोगों को स्टैंड हटाना पड़ेगा। जिसमें क्या क्या मोड्स है देख लेते हैं इसके मीटर में। ये गाड़ी है स्ट्रीट मोड में, अभी ये रेस मोड में, अभी है ये कितने मीटर, 53 किलोमीटर चल चुके हैं, इसका लैप बता रहा है 62 किलोमीटर है इसमें। और ये दो मोड ही आती है इसमें, जैसा कि मेरे एक्सटी में अब मैंने दिखाया था स्ट्रीट मोड और रेस मोड, तो इसमें भी वही सेम मोड आता है। तो और ये भी नहीं उतारा है भाई ने, तो गाड़ी फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा दूर से दिखा देते हैं हम आपको गाड़ी। गाड़ी के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना गाइस, कमेंट करके बताइए कि इसका राइड रिव्यू बनाना चाहिए कि नहीं, और मेरे एक्सटी और इसके अंदर कंपैरिजन चाहिए तो इसका भी कमेंट कर देना। इसके अंदर भी हम लोग को चार्जिंग का सिस्टम मिलता है और इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरी वाली गाड़ी में जैसे दिखाया था एंटॉक इतना स्पेस नहीं देता है। हालांकि ये स्पोर्ट स्कूटर है, स्पोर्ट्स वाला स्कूटर है, तो ये सिर्फ भगाने के लिए और ये सब में ही थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट देता है राइडर को, और इतना स्पेस वगैरह कुछ कैरी करने के लिए ये नहीं मिलता है। तो ये हो गया इसका बात, और इसका पीछे का लुक देख लेते हैं एक बार। ये इंडिकेटर्स और पूरा सेम डिट्टो जैसे एंटॉक आता है वही है, सिर्फ ग्राफिक्स में चेंज किया हुआ है। ये BS6 इंजन है तो पूरा स्मूथ होगा गाड़ी। अगले वीडियो में आपको चला के भी बता देंगे, इसका एक राइड रिव्यू ले लेंगे। तो इसका एलॉय व्हील भी मुझे ये बहुत प्यारा लगा कि गाड़ी के कलर के साथ पूरा मैच हो रहा है। गाइस अगर इस गाड़ी के संबंधित कुछ छूट गया था आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये गाड़ी कैसा दिख रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा दिख रहा है गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और बाय बाय।